संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। अक्सर जिसने अंधेरे से जंग जीती है वही सूरज बनकर निकलता है। नमस्कार दोस्तों, एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीके बाय प्रदीप सर। आई होप यू ऑल आर वेल, आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास में, जिसमें हम देखेंगे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, SSC, HSSC, CPO, जो भी एग्जाम की तैयारी करिए, जिसमें क्या है एक बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करती है करंट अफेयर, वही आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों की क्लास की समरी, क्लास में क्या कुछ रहने वाला है। तो एक मोटिवेशनल कोट अगर बात करें, बेहतरीन सा विचार देखा, आफ्टर देन क्या रहेगा आपका डाउट सेशन रहेगा, उसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चों MCQs फॉर्म क्वेश्चन जो क्या रहेंगे आपके रिवीजन बेस्ड रहेंगे, देन आफ्टर हम क्या देखेंगे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और उसके बाद देखेंगे होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन में जो आपको कल एक होमवर्क क्वेश्चन मिला था उसे हम डिस्कस करेंगे और आज का होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा। अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डाउट सेशन की, तो एक बच्चे का डाउट था कि मैम ये बताइए कि जैसे MD CEO नियुक्त किए जाते हैं तो उनका क्या है एक पूरा पर्टिकुलर पीरियड होता है या नहीं होता है, कि लाइक वो कितने टाइम तक रहेंगे। तो बच्चा ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं होता है उनका, अगर MD एज एन CEO, जैसे अभी बच्चे का डाउट किस पे था, इंडियन ओवरसीज बैंक है, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, जैसे उसके अभी क्या है थोड़े टाइम पहले कर्णम शेखर सर को क्या बनाया गया था, MD CEO बनाया गया था। अब उनकी जगह पर क्या है दो दिन पहले ही किसी अदर पर्सन को जैसे MD CEO नियुक्त किया गया है। तो बच्चे का था कि मैम अभी तो कर्णम शेखर बने थे, अभी इन्हें बना दिया गया है, तो क्या है बच्चे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब अगर मान लो मुझे MD CEO बनाया जाता है, मैं आज ही इस्तीफा दे देती हूँ, आज बनाया मुझे कल नहीं रहना इस पोस्ट पे, तो मेरी जगह कोई और आएगा, मैं इस्तीफा दे रही हूँ, बस इतना सा रहता है। और जो अभी न्यू बने हैं वो 2022 तक बने हैं, ओके, और या फिर उसमें एक लाइन ऐड भी होगी कि या तो 2022 तक रहेंगे या उससे पहले किसी भी ऑर्डर से, लाइक उससे पहले अगर वो इस्तीफा दे देते हैं कोई ऑर्डर रहता है तो क्या हो जाएंगे कि वो मतलब MD CEO की पोस्ट से हट जाएंगे, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम मूव करते हैं हमारे फर्स्ट, सबसे पहले तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं हम जुलाई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है ना बच्चों उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिएगा सबसे पहले 1 जुलाई, 1 जुलाई को आपके 3 दिन रहते हैं, कौन कौन से दिन रहते हैं बच्चों, डॉक्टर डे, नेशनल डॉक्टर डे, नेशनल पोस्ट ऑफ वर्कर डे, नेशनल CA, अगर बात करें चार्टर्ड अकाउंट डे, ओके। उसके बाद आपका आता है जर्नलिस्ट रिलेटेड, 2 जुलाई को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से देखते हैं, 4 जुलाई को 2 दिन रहते हैं आपके नेशनल, अगर बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेटिव और धर्म चक्रा डे, किसका, जो IBC सेलिब्रेट करता है, फिर 7/7/7 का याद होगा आपको वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाते हैं, उसके बाद 11 जुलाई को आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे रहता है, और इस बार की जो थीम थी वर्ल्ड पॉपुलेशन की, तो आप याद रखना है बच्चों पुटिंग द ब्रेक्स ऑन COVID-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, ये क्या थी आपकी 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम थी। उसके बाद देखिए 12 जुलाई को आपका मलाला डे रहता है, देन आफ्टर 15 जुलाई को आपका वर्ल्ड यूथ स्किल डे रहता है, और इस बार की जो थीम थी वो थी स्किल फॉर आर रेजिलियंट यूथ, ओके। फिर 17 जुलाई को आपका रहता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 18 जुलाई को आपका नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, 2 पर्सन के नेम पर आते हैं 12 और 18, 12 को मलाला, 18 को नेल्सन मंडेला। 20 जुलाई को बात करें तो वर्ल्ड चेस डे रहता है, 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, इतने तो हमने कल की वीडियो में क्लास में डिस्कस कर लिए थे ना। अब हम आगे ये 3 डेज जो इंपॉर्टेंट हुए हैं अभी, 26 जुलाई को आपका कारगिल विजय दिवस रहा था, 27 जुलाई को आपका 82nd राइजिंग डे ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस, अगर बात करें CRPF का बच्चों राइजिंग डे बात करें स्थापना दिवस की अगर हम बात करें तो इस बार 82nd रहा था, और कब रहा था 27 जुलाई को रहा था, ओके। फिर बात करते हैं 28 जुलाई, 28 जुलाई को बच्चों देखिए आपका कौन से डे रहे, अगर बात करें वर्ल्ड हेपेटाइट्स डे, और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, हेपेटाइट्स फ्री फ्यूचर, ओके। ये क्या थी आपकी 28 जुलाई को रहा वर्ल्ड हेपेटाइट्स डे, ये क्या है एक प्रकार की डिजीज होती है, ओके, उसी के लिए अवेयर करने के लिए डे मनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या थी, हेपेटाइट्स फ्री फ्यूचर, ओके। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका क्या रहा, अभी भारत सरकार ने, सिंपल सा क्वेश्चन रहा, भारत सरकार ने अगर बात करते हैं इंडिया की, उसने क्या है साउथ कोरिया को क्या है अगर बात करें रोधी दवाइयों, तपेदिक रोधी दवाइयों के लिए सहायता के लिए क्या है अपनी जो अमाउंट है एक अमाउंट दे रही है, ठीक है, इतनी की सहायता प्रोवाइड कर रही है। अब आपको बताना है उस अमाउंट की राशि कितनी रही, वो अमाउंट क्या रहा। तो बच्चों अगर हम क्वेश्चन से आंसर की बात करते हैं, ये वही अमाउंट है जो कहीं ना कहीं आपके न्यूज में रहे हैं,
तो हम काम कर क्या करते हैं बच्चों कि हम सारे डिस्कस कर लेते हैं, और अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की तो यूएससी वन मिलियन, ये क्या है, इंडिया द्वारा साउथ कोरिया को प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है। अब आपके ये जो इतने दिख रहे हैं ना अमाउंट, इतने अमाउंट याद कर लो आपके जो रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेन रहे हैं या फिर वर्ल्ड बैंक वगैरह जो इंडिया से रिलेटेड रहे हैं, तो आपके जनवरी से लेकर जुलाई तक सारे कवर हैं इसमें, ओके। जनवरी से जुलाई मैम इतने ही है, इतने ही है बच्चे, बाकी अगर कोई रह गया तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपको याद रखनी है, सबसे पहले हम याद कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड हम सारे जितने भी रहे वो याद कर लेते हैं। तो चार रहते हैं वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूएससी 1.05 बिलियन, ये क्या है बच्चों, वर्ल्ड बैंक बांग्लादेश को दे रहा है। दूसरा देखिएगा 500 मिलियन और 750 मिलियन, तो 500 मिलियन है वो क्या कह रहा है, स्टार्स प्रोग्राम, जो इंडिया का स्टार्स प्रोग्राम रहा है ना उसे प्रोवाइड करेगा 500 मिलियन। ये क्या रहेगा, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग रिजर्व्स फॉर स्टेट प्रोग्राम, ओके। ये स्टार्स प्रोग्राम रहा जो इंडिया का रहा, इसकी फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगी, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग रिजर्व्स स्टार्स प्रोग्राम, ओके, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक 500 मिलियन डॉलर प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद 750 की बात करें तो जो इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम एमएसएमई के लिए दिया गया है 750 मिलियन डॉलर, वर्ल्ड बैंक एमएसएमई को प्रोवाइड कर रहा है इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम के लिए। उसके बाद 400 मिलियन, 400 मिलियन की बात करें तो जो आपका इंडिया गंगा की बात करें तो गंगा को सुधारने के लिए, मतलब गंगा में सुधार करने के लिए हमारी जो गंगा नदी रही उन्हीं पर, उसी के लिए 400 मिलियन क्या दिया है, डॉलर दिया है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए, ठीक है। इतनी चीजें, चार अमाउंट याद रखने हैं, 1.05 मिलियन, 500, 750, 400, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों तो AIIB की बात करें तो उसने डॉलर 150 मिलियन, ये दो हिस्सों में रहा, पहले 100 था उसके बाद 50 एक्सटेंड, मतलब बढ़ा दिया गया था। AIIB क्या कर रहा है, L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड को लोन दे रहा है, और बच्चों यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, बिकॉज पता है क्यों बनेगा, क्योंकि पहला ऐसा फाइनेंस लिमिटेड, L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड ऐसी पहली फाइनेंस लिमिटेड रहेगी जिसको AIIB लोन प्रोवाइड कर रहा है, कितने का, 150 मिलियन डॉलर का, ओके। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक आपका कौन से हो गए, ये हो गया वर्ल्ड बैंक का आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नाबार्ड की, तो बच्चों नाबार्ड से आपको याद रखना है 44 लाख रुपए, ये क्या कर रहा है, नाबार्ड अंडमान और निकोबार जो आइलैंड रहा है ना बच्चों उसके डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए दे रहा है। नाबार्ड आपका अगर बात करें निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड को कितने दे रहा है, 44 लाख रुपए, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है आपका, ये भी हो गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं दो अमाउंट, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं, उसने क्या है बच्चों 4000 करोड़ रुपए लगाए हैं, किसके लिए लगाए हैं, PMKSY, PDMC, ये एक क्या रही, स्कीम रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रही है। मैम PMKSY क्या है, फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगी, तो इसका अगर बात करें ये रहती है आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कितने अलोकेट किए हैं, 4000 करोड़ रुपए। उसके बाद जो आपका अगला अमाउंट याद रखना है बच्चों, वो आपको याद रखना है अगर बात करते हैं हम 10 मिलियन की, ठीक है। 10 मिलियन, 10 मिलियन डॉलर क्या है, इंडिया दे रहा है UNRW को फॉर प्लेसाइन रिफ्यूजी, रिफ्यूजीज डे जो आपका रहता है कब रहता है आपका, जैसे आपको याद होगा 20 जून को बताया था, तो 20 जून को रिफ्यूजी डे रहता है, पैलिस्तान के जो रिफ्यूजी रहे उन्हीं के लिए क्या है, इंडिया ने क्या किया, उनकी सहायता के लिए 10 मिलियन डॉलर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपको याद रखना है 20.10 मिलियन, ये क्या है, जो आपका एक्सिम बैंक है, एक्सिम बैंक आपका जो इंडिया का बैंक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही बन गया, ये क्या कर रहा है, निकारगुआ, निकारगुआ दूसरा देश रहा, उसकी जो गवर्नमेंट है ना सिंपल सा रहा, जो हमारा एक्सिम बैंक है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या कर रहा है बच्चों कि जो निकारगुआ एक दूसरी कंट्री रही उसमें लाइक उसने कह रखा था कि एक्सिम बैंक ने कि हम आपको हर साल इतने का लोन देंगे, लेकिन उसने जो आपकी LOC होती है ना, जो आपकी मतलब इतने का अमाउंट देना होता है जी, लोन ऑफ कंट्रोल होता है कि इतना का ही लोन दिया जाएगा, उसकी क्या है अमाउंट को बढ़ा दिया गया है कि लाइक पहले मैं आपको 10 रुपए दे सकती थी, अब आपको मैं 15 दूंगी, इतना सारा वैसे ही एक्सिम बैंक ने किया है। अब वो क्या है 20.10 मिलियन 2020-21 के लिए निकारगुआ का जो LOC है वो बढ़ा दिया है। उसके बाद देखिएगा 200 मिलियन, 200 मिलियन यूरो है ये, ओके। 200 मिलियन यूरो की बात करें तो फ्रांस है वो इंडिया को दे रहा है COVID-19 से लड़ने के लिए, ठीक है। इतनी चीजें आपको, इतने अमाउंट क्या है आपको याद रखना है। और लास्ट रहा डॉलर 21 बिलियन, ये बात करें तो G20 का खुद का एक फंड रहा था, कितने का, 21 बिलियन डॉलर का, क्यों, COVID-19 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका क्या रहा, बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है ये न्यूज,
कंफ्यूज नहीं होना है, 2018 एशिया खेल, सबसे पहले माइंड में यही आना चाहिए, एशिया खेल आए हैं तो 2018 से लेकर आपके 21-22 तक क्या है आपको याद होने चाहिए कि ये कहाँ कहाँ हुए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट बनता है ना वो ये है कि भारतीय 4x4 मिश्रित रिले टीम 2018 एशिया खेलों के रजत पदक, मतलब वो पहले कौन से नंबर पे थी, सेकंड पे थी, अब वो किस पे हो गई है, फर्स्ट हो गई है, ठीक है, फर्स्ट कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया। अब आपको बताना है एशिया खेल 2018 कहाँ आयोजित किए गए थे, ये सारे क्या है आपके एशिया गेम से रिलेटेड ही डेज है। तो हम क्या करते हैं, एशिया गेम से रिलेटेड क्या कर लेते हैं, एक आप याद कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर नोटबुक पेन है ना, तो अगर आप यूज में ला रहे हो, पहली बात तो नीड नहीं है क्योंकि एज इट इज आपको पीडीएफ मिलेगी जीके पे प्रदीप से और टेलीग्राम ग्रुप में, फिर भी आपके पास नोटबुक पेन है आप उठाइए और एक छोटा सा ना मेरे साथ क्या कीजिए, छोटा सा काम कीजिए, उसमें क्या कीजिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखिए एशियन गेम्स, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एजी लिखिए एशियन गेम्स, ठीक है। उसमें आपको डेज याद करने हैं, तीन यू लाइनें बना लो, सबसे पहले 2018 जिसमें क्या है अभी अपग्रेड हुआ है, उसके बाद आपका 2022 बना लो, उसके बाद 2026 बना लो, ठीक है। इतने डेज याद करो, 2018, 2022, 2026। 2018 का आपको याद रखना है कहां पर हुआ है बच्चों, ये आपको जकार्ता में हुआ है, जकार्ता इंडोनेशिया लिख लो उसके नीचे, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, जकार्ता इंडो इतना लिख लो ताकि याद रह जाए। उसके बाद 2022 की बात करते हैं बच्चों, तो चाइना के हैंगजू में होगा, ठीक है, 2022 का अगर बात करें चाइना के हैंगजू में। एशियन गेम 2026 ये आपके जापान में होगा, जापान में कहां होगा, नगोया में, ठीक है। इतनी चीजें लिख लो, राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है आपको, साथ साथ में इतनी चीजें याद करनी है ताकि क्या होगा आपको याद आएगी, ठीक है चीजें। अब उसके बाद बात करते हैं हम, ये आपका हो गया, अब दूसरा एक छोटा सा चार्ट और बनाओ मेरे साथ, एशियन गेम हो गए, ठीक है, आपके एशियन गेम डन, उसके बाद ओलंपिक गेम, ठीक है, ओलंपिक गेम दो चीजें बनाओ, समर विंटर, ठीक है। समर आपके कब कब रहे, 2020 में, 2024 में, 2028 में, ठीक है। अब एक छोटी सी हिंट बताती हूँ, 2020 यहाँ लिख लो 22, 2024 यहाँ लिख लो 26, 2028, ठीक है, 20, 22, 24, 26, 28, ऐसे याद रह जाएंगे कि 20 में आपका समर हुआ था, 22 में आपका विंटर होगा, 24 में आपका समर हुआ था, 26 में आपका विंटर होगा, 28 में आपका समर होगा, ऐसे हो गया। अब आपको ध्यान में रखना है ये डेज कब मनाए जाएंगे, 2020 का जो अगर हम बात करते हैं बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर 2020 की, तो सबसे पहले समर की बात करें तो वो आपका जापान में, ठीक है, जापान में अभी जो शुरू होगा, ठीक है। 2022 के विंटर अगर बात करते हैं ओलंपिक गेम की 2022 की, तो वो रहेगा आपका चाइना में, ठीक है। 2024 की अगर हम बात करते हैं वो रहेगा आपका फ्रांस में, एक लाइन में याद कर लो, जापान, चाइना, फ्रांस। 2026 की बात करते हैं तो वो रहा इटली में। 2028 की बात करते हैं यूएस में, जापान, चाइना, फ्रांस, इटली, यूएस, 20, 22, 24, 26, 28, एक डेज और याद कर लो आप, 18, 18 आपका कौन सा रहा था, विंटर रहा था, और ये हुआ था आपका साउथ कोरिया में, ठीक है। वन फ्लो में याद करो, वन फ्लो में याद करोगे ना चीजें याद होंगी, लिखवा के ले लो, याद होंगी। 18, 20, 22, 24, 26, 28, विंटर से शुरू होना है, समर पे खत्म होगा, 18, 20, 22, 24, 26, 28, याद हो गया। अब कैसे, सबसे पहले साउथ कोरिया, जापान, चाइना, फ्रांस, इटली, यूएस, मैम ऐसे याद करेंगे कहीं, मतलब और कुछ इससे फालतू नहीं पूछेगा एग्जामिनर, या तो 18 का पूछेगा एडवांस में, या 24 या 26 का, 28 तक भी नहीं जाएगा, फिर भी हम याद कर रहे हैं, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, फ्रांस, इटली, यूएस, ठीक है। इतनी चीजें क्या है आपको यहां से याद रखनी है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, कलाई घड़ी का मतलब होता है रिस्ट वॉच, जैसे मैंने एक वॉच पहन रखी है उसी तरह एक क्या है, वॉच बनाई गई है। क्वेश्चन समझा देती हूँ क्या रहा आपका, कि एक वॉच बनाई गई है अभी IIM अगर बात करते हैं, इंस्टीट्यूट अगर बात करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड अगर बात करते हैं, कोझिकोड ने बनाई है सामाजिक दूरी, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। लाइक क्या होगा, आपने वो वॉच पहन रखी है और आपके पास कोई आना चाहिए, वो पहले से क्या करेगी, आपको एक वार्निंग देगी कि पास नहीं जाना, भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, उसी के लिए क्या है वो वॉच बनाई गई है। अब आपको बताना है उस वॉच का नेम क्या था, मेडिकैप, मेडिकैप तो नहीं, ये तो क्या था आपका, एक पोर्टेबल हॉस्पिटल था, कोरोशोर ये तो एक किट थी मैम, शुद्ध नहीं मैम, ये तो एक मतलब पहले ही हमने पढ़ा था, एक टूल वगैरह बनाया गया था, यूनिसेवियर, यूनिसेवियर भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद वैली बैंड, तो वैली बैंड, ठीक है, वैली, वैली वैसे तो पेट से रिलेटेड होता है बट फिर भी वैली बैंड, बैंड रहा आपका बैंड, जैसे बच्चों आप फ्रेंडशिप बैंड वगैरह रहते हो ऐसे याद कर लो, वैली बैंड, वो किसने बनाया, IIM कोझिकोड ने बनाया है, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करते हैं अदर की, तो बच्चों ये इतनी याद रखिएगा,
जो आपकी आईआईटीज रही हैं जनवरी से जुलाई तक 2020 में, सारी इसमें कवर है। एक दो कुछ जहां पर जैसे कॉम एमओयू एग्रीमेंट करके हुई है वो नहीं है, वो हम कभी फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जनवरी से जुलाई 2020 तक की जितनी भी आईआईटीज हैं न्यूज में रही है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा, वो यहाँ पर कवर है आपकी। तो देखिए आप बेलीबैंड की बात करते हैं तो आईआईएम कोझिकोड ने बनाया है, अदर देखिएगा आईआईटी मद्रास, मेडिकैब सुंदरम वेंटेगो ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस, आईआईटी मद्रास ने मेडिकैब और सुंदरम वेंटेगो ऑटोमेटेड डिवाइस बनाया है, आईआईटी कानपुर ने शुद्ध मोबाइल शुद्ध डिवाइस बनाया है, मोबाइल मास्टर जी ऐप बनाई है, लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है, आईआईटी दिल्ली ने कोरोश्योर किट बनाई है, आईआईटी रुड़की ने यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स बनाया है, आईआईटी गांधीनगर ने आर्टिफिशियल बेस्ड टूल बनाया है और MIR AHD कोविड 19 डैशबोर्ड बनाया है, आईआईटी बॉम्बे ध्रुवा इंडियन चिप बनाई है, रुद्र लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया है, आयुष सिंह स्टेथोस्कोप बनाई है और एक मोबाइल ऐप क्वारंटाइन, ये किसकी रही, आईआईटी बॉम्बे की। आईआईटी मंडी की बात करते हैं तो इसने मैग्नेटिक रैंडम असेस मेमोरी रैम, ठीक है, हाई स्पीड मैग्नेटिक रैंडम असेस मेमोरी किसने बनाई है, आईआईटी मंडी ने। आईआईटी रोपड़ की बात करें हैं तो इसने वार्ड वोट रोबोट बनाया है, आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो इसने एक ड्रोन बनाया था, क्या करने के लिए, जो लार्ज एरियाज हैं कि हम वहां पर पर्सन जाकर नहीं कर सकता था, तो उसी के लिए एक ड्रोन बनाया, एक हवाई जहाज जैसा, तो वो सैनिटाइज करने के लिए पूरे एरिया को किसने, आईआईटी गुवाहाटी ने। इतनी चीजें याद रखनी है जनवरी से जुलाई तक की आपकी आईआईटीज कंप्लीट है इसमें, ओके, मेन जो इंपॉर्टेंट रहती है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या रहा, केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करते हैं बच्चों यूनियन टेरिटरी की, तो उसका नाम क्या है जिसने हाल ही में मैडी, अगर बात करते हैं मैड एक मैक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, ठीक है, मैक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है, ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो बच्चों आपको आंसर मिल गया होगा आपका, किस क्वेश्चन का जो आंसर रहता है वो रहता है आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। मैक एडमिशन मैक एक्मेडिशन अगर बात करें प्रोग्राम की, वो किसका रहा, जम्मू कश्मीर का रहा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ना बच्चों इन सभी की, ठीक है, ये सभी राज्य रहे जितने कवर हो सकते हैं हम इसमें करेंगे, ये क्या है आपके बच्चों जनवरी से लेकर जुलाई तक के, ऑलमोस्ट जून जुलाई के जितनी भी चीजें हैं और ये क्यों न्यूज में रहे थे सारे हैं, जैसे बेस्ट बेंगोल उसने सेल्फ स्कैन ऐप 59 चाइनीज ऐप बैन होने पर, कर्म भूमि जॉब पोर्टल निकाला था, कर्नाटका ने निकारा सम्मान योजना, स्किल कनेक्ट फॉर मास्क डे 18 जून को कर्नाटका ने मनाया था, महाराष्ट्र का महाजॉब पोर्टल प्रोजेक्ट प्लेटिना महाप्रवाना प्लान, ओडिशा का बलराम योजना कहाँ की रही, ओडिशा की रही, ये क्रॉप लोन मतलब इसमें लोन दिया जाएगा, बैंड उत्कल जर्नी एंथम, सबसे वंदे उत्कल जर्नी एंथम सबसे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा कि ओडिशा ने क्या है अभी खुद का, जून की ही बात है कि अपना एक एंथम दिया है। अब एंथम का आपको बताना है कि उसका नेम क्या रहा, वंदे उत्कल जर्नी, ठीक है, वंदे उत्कल जर्नी एंथम रहा ओडिशा का खुद का, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं अदर की, मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, इसने पीएम स्वनिधि स्कीम में टॉप किया है, रोको टोको कैंप इंतजार आपका, हमारा घर हमारा विद्यालय, किल कोरोना कैंप, कोरोना वैरियर, अर्बन स्ट्रीट वेंडर वेलफेयर प्रोग्राम, ये आपका कहां का रहा, मध्य प्रदेश का। तेलंगाना का साइबर कैंप तेलंगाना पुलिस ने जो लॉन्च किया था। यूपी की बात करें तो नवीन रोजगार छतरी योजना, मिशन वृक्षारोपण 2020, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये यूपी की रही। मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क, जो आपकी फूड प्रोसेसिंग जो मिनिस्ट्री है वो किसके मिनिस्ट्री के अंदर आती है, बठिंडा पटियाला, उनकी हरसिमरत कौर बादल वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही, उन्होंने ये किया था जोरम मेगा फूड पार्क, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गोधन न्याय योजना, फर्स्ट ई लोक अदालत और संपन्धन कैंप कहाँ का रहा आपका, छत्तीसगढ़ का। तो इतनी चीजें याद रखनी है, ये स्टेट क्या है, इतनी आपको कितनी हो गए, 6, 8 स्टेट हो गई हैं, 9 स्टेट हो गई हैं, और जो क्या है कहीं ना कहीं जून से जुलाई तक अब तक इतनी चीजें इन्होंने लॉन्च की हैं, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है, खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है, ऑप्शन देखिएगा, दिल्ली, असम, महाराष्ट्र, हरियाणा, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है बच्चों वो बनता है हरियाणा। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक छोटी चीज बता देती हूँ, जो आपके यूथ गेम्स है ना बच्चों उसमें क्या 18 साल जो स्कूल के होते हैं और 21 साल अगर बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट तक के पार्टिसिपेटेड होते हैं, मतलब ये बच्चे लेते हैं इसमें। तो यूथ गेम कब स्टार्ट हुआ था, 2018 में हुआ था, फिर 2019 में हुआ, उसके बाद 2020 में, ठीक है, और इसका 2021 की अगर हम बात करें तो ये दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों 2021 में हरियाणा में होगा, आपका इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, 4 बार हो चुका है। इन तीनों में एक चीज याद रखना, आपको जब भी आ जाए कि यूथ गेम 2018 का विनर कौन था, तो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर अब तक जो रहा है वो रहा है आपका महाराष्ट्र,
सेकंड जो रहा है वो रही आपका हरियाणा, तीसरा जो रहा है वो रहा है दिल्ली। ये तीनों चीजें तो आपको याद रखनी है, पहले पर महाराष्ट्र, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पर दिल्ली, ये चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम इनकी कि 2018 में कहां हुआ था, तो बच्चों 2018 में ये हुआ था दिल्ली में यूथ गेम। 2018 कहां हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम, तो दिल्ली में। 2019 में हुआ था पुणे महाराष्ट्र में, 2020 में गुवाहाटी असम में, 2021 में पंचकुला हरियाणा में होगा, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है। अब अगर बात करें हरियाणा की, तो ये कहां पर होगा, हरियाणा के पंचकुला में होगा। गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य है। चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर है, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है। अब छोटी सी चीज देखिए बच्चों, जो खेलो इंडिया है ना बच्चों, उसके अंडर क्या होती है, दो प्रकार के गेम्स होते हैं, यूथ गेम हो गया और दूसरा होता है यूनिवर्सिटी गेम। तो यूथ गेम और यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है। यूथ गेम कब शुरू हुए थे आपके, 2018 से, और 2021 में इसका कौन सा संस्करण है, फोर्थ संस्करण, चौथा संस्करण है। अगर बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, तो 2019 की, ठीक है, 2020 में, वैसे 2020 लगाओ या 19 लगाओ, ठीक है, 2019 में, 20 में क्या हुआ था बच्चों, ये पहली बार हुए थे यूनिवर्सिटी गेम। तो अगर हम बात करते हैं 2020 में, तो ये कहां पर हुए थे, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ओडिशा में हुए थे, और इसमें टॉप किया था पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब, 46 मेडल जिसने लिए थे, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है। यूनिवर्सिटी गेम कहां हुए थे, ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट में हुए थे, और 46 मेडल के साथ आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप रही थी। ये लिस्ट आपको यहां से याद रखनी है। अब हम मूव करते हैं हमारी फर्स्ट आज की न्यूज की तरफ। तो देखिए बच्चों, एक बुक से रिलेटेड रही, आपको ये बुक दिख रही होगी, सबसे पहले बुक का नेम रहा द इंडियन वे, स्ट्रेंथ फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इसमें क्या है बच्चों, तीन चीजें बताई गई हैं मैम, तीन चीजें कौन सी है बुक, सबसे बात करूं तो ये जो आपके एस जयशंकर सर रहे, कौन है एस जयशंकर, एस जयशंकर सर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इनके अंडर आती है, ठीक है। तो उन्होंने ये बुक लिखी है द इंडियन वे, स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इसमें क्या है बच्चों, 1947 को जो पार्टीशन हुआ था अपना, उसे डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसके बाद चाइना, ठीक है, चाइना से जैसे अभी तक हम बहुत आगे डेवलप कर चुके हैं, पर कहीं ना कहीं 15 साल हम इनसे पीछे चल रहे हैं, तो उसी के लिए हमें डिसएडवांटेज क्या मिली है, अब तक डिसएडवांटेज 15 साल कहीं ना कहीं चाइना से पीछे चल रहे हैं, तो उसका डिसएडवांटेज क्या मिला है हमें। और उसके बाद तीसरी जो चीज हमें की गई है वो यही कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी क्या है, जो स्टेबिलिटी वगैरह है कि वो कितनी ऊपर नीचे हुई है। ये तीन चीजें इस बुक में डिस्कस की गई हैं, और ये आपकी किसने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने की है, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं। और इसे जो अगर बात करें प्रकाशन की, पब्लिश की, तो वो करेगा हार्पर कॉलियंस इंडियन पब्लिकेशन, इसे क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। द इंडियन वे स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड किसकी रही, एस जयशंकर की। नेक्स्ट बुक देखिए आप बच्चों, अभी देखिएगा, जैसे आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी क्या थी, अभी 27 जुलाई को अगर हम बात करते हैं तो उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो उन्हीं की याद में क्या है बच्चों कि अभी क्या किया गया है, डीआरडीओ द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, डेयर टू ड्रीम 2.0 लिया गया है। डेयर टू ड्रीम 2.0 क्या एक प्रकार का कॉम्पिटिशन है, जिसमें क्या है, अगर कोई बच्चा क्या करता है, अगर जैसे लाइक मैं कोई इनिशिएटिव, मतलब मैं कोई स्टार्टअप लेना चाहती हूँ, स्टार्टअप समझते होंगे, तो स्टार्टअप के लिए क्या है, अगर मैं जीत जाती हूँ तो मुझे क्या है 15 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, और इंडिविजुअली अगर 10 लाख रुपए मिलेंगे, और इंडिविजुअली मतलब लाइक मैं हूं और मुझे, मैं भी इसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया, मैं जीत गई हूँ, स्टार्टअप ही लेना है, तो मुझे क्या है 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी, ठीक है। ये दो इनाम रहते हैं। और डेयर टू ड्रीम 2.0 इस बार लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है, डीआरडीओ ने किया है। ये किस पर हुआ था, 5th अगर डेथ एनिवर्सरी थी जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, कब थी, जो 27 जुलाई को थी, उस पर ये शुरू किया गया था। अगर बात करते हैं इसकी, तो पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। अगर हम बात करते हैं डीआरडीओ के चेयरमैन की, तो जी सतीश रेड्डी सर है, ये 1958 में क्या थी, फाउंडेड है, और न्यू दिल्ली क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपकी क्या रही, काफी अच्छी न्यूज है। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, इन्होंने क्या किया है, 3 हाई थ्रू आउट COVID-19 टेस्टिंग, अगर बात करते हैं फैसिलिटीज हैं वो इनोग्रेट की हैं। लाइक क्या होगा इसमें बच्चों, कि ये इनोग्रेट होने के बाद, इसका उद्घाटन होने के बाद, हर दिन के 10,000 टेस्ट हैं उसमें वृद्धि होगी, डेली के 10,000 टेस्ट ज्यादा हो सकेंगे। और सिर्फ ये COVID-19 से रिलेटेड नहीं, लाइक हेपेटाइटिस हो गया, टीबी हो गया, HIV हो गया, कोई भी टेस्ट होगा, बहुत सी डिजीज होंगी जिसमें क्या होंगे, इसमें चेकअप हो सकेगा इसका। और ये यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बनता है, वो तीन जो स्टार्ट किए गए हैं वो कहाँ पर स्टार्ट किए गए हैं, मुंबई में, नोएडा में, कोलकाता में। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, यहाँ से कहाँ कहाँ शुरू की गई है, वो मेडिकल रिसर्च काउंसिल की बात करें तो कोलकाता, नोएडा और मुंबई में, कोलकाता, नोएडा और मुंबई में, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रही,
ऑब्चुरी से रिलेटेड रही है, दो पर्सन रहे हैं, सबसे पहले इनको देख लेते हैं। तो इनका नेम रहा जॉन सेक्सन। सेक्सन की अगर बात करते हैं, जॉन सेक्सन, इनकी क्या है, डेथ हो गई है। ये कौन थे, अमेरिकन एक्टर थे। और अगर इनको बात करते हैं तो इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था, किसके लिए, दिस हैप्पी फीलिंग, जो उनकी 1958 में एक मूवी रही थी दिस हैप्पी फीलिंग, उसके लिए क्या है इन्हें इनाम मिला था। इनकी क्या है, डेथ हो गई। इनका नेम क्या रहा, जॉन सेक्सन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये भी क्या है, एक एक्ट्रेस थी जिनका नेम क्या था, अगर हम बात करते हैं ओलिविया डी हैविलैंड, इनका नेम था ओलिविया डी हैविलैंड, जिनका क्या है अभी डेथ हो गई। और ये क्या है, दो बार ऑस्कर विनर रही थी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इनकी, तो दो बार ऑस्कर अवार्ड कब मिले थे, पहला 1946 में, दूसरा 1949 में। पहला जो मिला था टू ईच हिज ऑन मूवी के लिए, और तीसरा मिला था द हैरिस के लिए। इसमें ये लीडिंग एक्टर थी, इसमें ये क्या थी, स्पॉटिंग एक्टर थी। ठीक है, इतनी चीजें याद रखी है। इनका नेम क्या रहा, ओलिविया डी हैविलैंड, क्या थी ये, एक्ट्रेस थी। और इनकी क्या है, अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहा, एक ऐप लॉन्च की गई है, ऐप के नेम में दिक्कत नहीं होगी, क्यों की गई है ये भी दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी तो थोड़ा सा डीप जाने में कि वहां पर साथ में क्या है, एक बहुत अच्छी सी चीज लॉन्च की गई है जहां पर बच्चे मार खाएंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे अंदर का देखेंगे नहीं, मौसम ऐप। ठीक है, मौसम ऐप लॉन्च की गई है। सबसे पहले किसने लॉन्च किया, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन सर ने, जिसका नेम क्या रहा ऐप का, मौसम ऐप। ये क्या करेगी, फोरकास्टिंग, मतलब पहले से आपको अनुमानित करेगी उन चीजों के बारे में। ठीक है, मौसम को मतलब फोरकास्ट करेगी। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेगा ना, कि जब मौसम ऐप को लॉन्च किया गया था ना, उसी के साथ एक और चीज हमारे हर्षवर्धन सर अगर बात करें, उन्होंने लॉन्च की थी, क्या की थी, नॉलेज रिसोर्सेज सेंटर नेटवर्क, KRC नेट। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है बच्चों, कि नॉलेज रिसोर्सेज सेंटर नेटवर्क KRC नेट भी लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था, कि ये सेंटर रहेगा जिसमें रिसर्च वगैरह जैसे होती है वो इसमें होगी। तो दो चीजें यहां से बनेंगी, कि सिर्फ एक मौसम ऐप लॉन्च की गई थी, दूसरा किया गया था नॉलेज सोर्स सेंटर नेटवर्क KRC नेट। ये किसने लॉन्च किया था, डॉक्टर हर्षवर्धन सर ने। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपकी क्या रही, ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया आपने सुना होगा, एक क्या है, कंट्री है। उसके क्या है, अभी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ये पहले इंट्रिम प्राइम मिनिस्टर थे वहां पर, कि लाइक जैसे इंट्रिम होते हैं, परमानेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, इंट्रिम प्राइम मिनिस्टर थे, अब इन्हें परमानेंट प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बना दिया गया है। इनका नेम क्या रहा, हिचमे मेचिची सर को क्या किया गया है, ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री बनाया गया है। प्रेजिडेंट की बात करें ट्यूनेशिया की, तो काइस सईद है। अगर ट्यूनेशिया की कैपिटल की बात करें तो ट्यूनिस है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्यूनेशिया की ट्यूनिस। ठीक है, कैपिटल ट्यूनेशिया की ट्यूनिस। अगर हम बात करते हैं इसकी करेंसी की, तो दिनार यहाँ की करेंसी रही। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से आपके 5 से 6 चीजें कवर होने वाली हैं। सबसे पहले तो इन पर्सन का नेम देख लेते हैं, इनका नाम रहा DK, अगर बात करते हैं DK AVSM, अगर बात करें दिनेश के त्रिपाठी सर, तो देखिए बच्चों क्या रहा, वॉइस एडमायरल MA HP हेम्पिहोली एज्यूम चार्ज एज कमांडेंट ऑफ INA। सिंपल सा रहा, इन्हें क्या है, इंडियन नेवल अकेडमी के क्या बनाए गए हैं, MA HP होली AVSM NM को क्या बनाया गया है, एज एन कमांडेंट बनाया गया है। और इन्हें क्या है, वॉइस एडमायरल जो रहे दिनेश के त्रिपाठी, इन्होंने क्या है इसे एक चार्ज हैंड ओवर किया है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसकी, तो वॉइस एडमायरल HMA हम्पिहोली ने INA, अगर बात करते हैं भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में प्रभार ग्रहण किया है। यहाँ से चार चीजें इंपॉर्टेंट बनेंगी। सबसे पहले तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये पहले रहे हैं, हमारे पहले बने हैं। कौन बने हैं, जनरल बिपिन रावत। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा था कि इन तीनों के ऊपर, जो आपके नेवल आर्मी और AS स्टाफ होते हैं ना, उनके ऊपर भी एक पर्सन होना चाहिए। तो पहले थे जनरल बिपिन रावत, ये पहले आपके आर्मी स्टाफ चीफ थे, अब उन्हें क्या है बना दिया गया है, डिफेंस स्टाफ। ये तीनों के ऊपर काम करते हैं, पहले हैं ये हमारे, तो जनरल बिपिन रावत। आपके नेवल स्टाफ के चीफ कौन है, एडमायरल करमवीर सिंह। चीफ आपके आर्मी स्टाफ के कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। और एयर स्टाफ के चीफ कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। चारों मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों करंट अफेयर आपकी क्या रही, अभी क्या है बच्चों, अगर बात करते हैं BIS की, मैम BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, आपका एक, जैसे आप कोई चीज खरीदते हो उस पर एक साइन होता है, ठीक है, ऐसा कुछ साइन होता है। ठीक है, अब मैम मैं भी कोई चीज बना सकती हूँ, ठीक है, सपोज करो मैंने ये चीज, एक चीज बना दी, अब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है इस पर ये लोगो लगाना। ठीक है, ये सेम लोगो बना सकती हूँ ना मैं, जब ये चीज बना सकती हूँ इस पर लोगो भी बना सकती हूँ। तो सिंपल सी रही कि आपको पता कैसे लगेगा कि ये लोगो सही है या गलत है, मतलब आप उसकी ऑथेंटिकेशन, मतलब आप
आप उसको सही कैसे प्रमाणित करोगे कि ये चीज सही है, ये वस्तु सही है। तो उसी के लिए क्या है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है BIS केयर, जिसका काम यही रहेगा जो आपको ऑथेंटिकेशन बताएगी किसी वस्तु की, कि ये वस्तु पर जो लगा हुआ मार्क है ये सही है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, इसी केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है, रामविलास पासवान सर द्वारा लॉन्च किया गया है। मंत्री ने 3 पोर्टल भी इसके साथ लॉन्च किए थे, इसके 3 पोर्टल लॉन्च किए गए थे, द साइन ऑफ ट्रस्ट एंड क्वालिटी के लिए लॉन्च किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की, तो इसके अगर हम बात करें डायरेक्टर जनरल की, तो प्रमोद कुमार तिवारी सर है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, इसका नेम याद रखना है, नाम क्या है, BIS केयर। ओके, नेक्स्ट है क्या बच्चों, क्या रहा, काफी अच्छी न्यूज है। अब इन फ्यूचर कितनी होती है नहीं पता है। सबसे पहले तो केजरीवाल सर, अगर बात करते हैं दिल्ली से रिलेटेड, चीफ मिनिस्टर रहे, गवर्नर कौन है, अनिल बेजर सर, दिख रहा होगा। रोजगार बाजार, रोजगार बाजार अभी क्या है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, नौकरी ढूंढने वाले भी नौकरी देने वाले भी दोनों मिलते हैं यहाँ। बच्चों कहना आसान है, हमारे इंडिया में बहुत मुश्किल है, हमें पता है। तो देखिए बच्चों, इन्होंने क्या किया है, दिल्ली के जो आपके रहे, दिल्ली सरकार ने क्या है, रोजगार बाजार एक जॉब पोर्टल शुरू किया है। वहां पर क्या होंगे, जाए लाइक सपोज मुझे कोई पर्सन चाहिए, मुझे उससे काम, मतलब मेरे मुझे नीड है काम करवाने के लिए, आपको नीड है कि काम की, तो वहां पर हम दोनों होंगे कि लाइक एक बाजार की तरह ही होगा, चीज लेने वाले भी चीज देने वाले भी दोनों होंगे। तो यही रोजगार बाजार कहाँ का रहा, दिल्ली सरकार का रहा। इतनी सी चीजें याद रखनी है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, गवर्नर कौन है, अनिल बेजल सर रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रही, नेक्स्ट काफी अच्छी न्यूज रही है कि लाइक सिंपल आपको जैसे पता होगा जो कुम्हार होते हैं, कुम्हार ठीक है, वो क्या है, जब मिट्टी के घड़े बर्तन बनाते हैं, एक व्हील पे बनाते हैं ना, आपने देखा होगा वो घूम रहा होता है व्हील, तो उसी के अंदर क्या है, वही व्हील बांटे गए हैं। व्हील होता है ना जो चक्कर सा होता है, वो बांटे गए हैं। किसने बांटे हैं, अमित शाह सर ने बांटे हैं। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक पावर व्हील्स डिस्ट्रीब्यूट अंडर कुम्हार सशक्तिकरण योजना। सिंपल सरा, काफी अच्छी न्यूज रही है। अब कुम्हार है उसको घुमाएगा पहले, फिर उस पर काम करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, ठीक है, अब वो बिजली से वो काम करेगा, उसी के लिए क्या है, वो बांटे गए हैं, पहिए बांटे गए हैं। किसके अंडर, कुम्हार सशक्तिकरण योजना। अब कुम्हार सशक्तिकरण योजना की बात करें बच्चों, तो ये आपकी KYC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अंडर आती है, और इसमें क्या है, 100 प्रशिक्षित कारीगरों को 100 इलेक्ट्रॉनिक पावर व्हील वितरित किए गए हैं। किसने किए हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने किए हैं। कहां पर, गांधीनगर, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहीं पर। अगर हम बात करते हैं KVIC की, अगर बात करें खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन की, तो इसके चेयरमैन कौन है, विनय कुमार सक्सेना। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रही, काफी अच्छी न्यूज है। अगर हम इनकी बात करते हैं, इंडियन ओरिजिन है ये, हमारे भारत की लेडी रही। बात करें तो ये एक नर्स है वैसे पेशे से, इनका नेम रहा कला नारायण स्वामी। कला नारायण स्वामी जिन्हें क्या है, सिंगापुर से, सिंगापुर के प्रेजेंट अवार्ड फॉर नर्स दिया गया है, क्योंकि अभी COVID-19 के चलते काफी अच्छी इन्होंने भूमिका निभाई है। इसी के लिए सिंगापुर का प्रेजेंट अवार्ड फॉर नर्स किसे दिया गया है, कला नारायण स्वामी को। वन लाइन में याद रखना है, सिंगापुर का प्रेजेंट अवार्ड फॉर नर्स किसे दिया गया है, कला नारायण स्वामी को। ओके, और ये क्या है बच्चों, कला नारायण स्वामी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग है, कहां पर, वुडलैंड हेल्थ कैंपस में। ओके, सिंपल याद रखना है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग है कहां पर, वुडलैंड हेल्थ कैंपस में। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। अब हम मूव करते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन पर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट टू यू ऑल आर अपकमिंग, अगर बात करें गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसर्स रहे, मोनिका, आकाश, मनीष, राकेश, भाई ये कौन है, पहले तो भाई अच्छे से नाम लिखो। डार्क एविल गेमिंग मोबाइल, वाओ व्हाट अ नेम, थोड़ा नेम सही, भाई हमें पता लगे कौन बच्चा है। नवीन, वेतन, रोहित, आरके, मोनू, प्रीति, आशीष, कीवी, अरमान, ये बच्चे रहे जिन्होंने काफी अच्छा और बेहतरीन आंसर किया है। तो अब अगर हम बात करते हैं इन्होंने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया था, तो वो देखिए WWF। सबसे पहले तो पांडा आपको दिख रहे होंगे, इसका साइन रहता है WWF का, तो इसका वैसे नाम रहता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। मैम कुछ अलग लग रहा है, ऐसा तो नहीं था। तो बच्चों सिंपल सा याद रखिएगा यहां से, वैसे इसको अगर बात करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, आप जितना जानते हो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो सिंपल सर आप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ये पहले नेम था। अब इसका अगर बात करें ओरिजिनल नेम की, अब अगर हम बात करते हैं नया जो नेम आया है वो आया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। देखिए बच्चों ये क्या रहा, द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1961 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो जंगल संरक्षण और पर्यावरण मानव प्रभाव को कम करने के क्षेत्र में काम करता है। इसे पहले विश्व वन्यजीव कोष का नाम दिया गया था, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आधिकारिक नाम है। अभी भी कहां पर, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही नाम चलता है। कौन सा, जो पहले था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, लेकिन ऑलमोस्ट अभी इसका नेम क्या रहा, वर्ल्ड वाइड फंड
पावरफुल नेचर है। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ग्लेंड स्विट्जरलैंड में रहा, 29 अप्रैल 1961 में फाउंड किया गया था। पवन सुखदेव कौन है, इसके प्रेसिडेंट है। WWF के प्रेसिडेंट कौन है, पवन सुखदेव है। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों आज के क्वेश्चन की। तो आज के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपको देखकर आना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ये रिपोर्ट्स भी रिलीज करते हैं, ऑलमोस्ट जितनी हो उसके आपको रिपोर्ट देख के आनी है, और उसके बाद देखना है इंडिया में उसकी रैंक क्या रही है। ठीक है, टॉप का जाहिर मत देखिएगा ज्यादा, लेकिन इंडिया की रैंक कौन सी रही है रिसेंट की, अगर कोई रिपोर्ट रही है तो वो आपको चीजें देख कर आनी है। ओके, पीडीएफ की बात करें बच्चों, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, कौन सा, जीके बाय प्रदीप सर। वहां पर क्या है बच्चों, आपको इसकी एज एन पीडीएफ लिंक मिल जाएगा आपको। अगर आपको कोई भी आज की, आप आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है बच्चों तो क्या कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए, आपको मिल जाएगी। अगर बात करते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एंड थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय, टाटा, टेक।